में इस वक्त सीएम हाउस के बाहर से ही लाइव जुड़े हुए हैं अतुल। दिल्ली पुलिस ने वैभव कुमार को हिरासत में ले लिया और जैसे जानकारी भास्कर दे रहे हैं कि इसमें संभावना इस बात की भी दिखाई दे रही है कि कहा गया हो कि अगर कस्टडी में जाना है, अगर डिटेनमेंट होना भी है तो वो सीएम हाउस से ही अगर हो जाए तो एक मैसेज इसके पीछे कोई दिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कहा गया, वैभव कुमार की लोकेशंस के बारे में क्या जानकारी मिल रही थी दिल्ली पुलिस को? देखिए मीनाक्षी, पहले क्योंकि लखनऊ के अंदर उनको देखा गया था जिस तरीके से वो सीएम के साथ थे, उसके बाद पंजाब जो है वो वैभव जाते हैं और उसके बाद ये भी कहा, हमें ये भी जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र जब सीएम गए हैं तो वहां भी जो वैभव था वो उनके साथ हो सकता है। अभी आप देखिए यहाँ पर हलचल पुलिस की काफी ज्यादा है, सीएम हाउस के बाहर लगातार पुलिस की टीमें जो है वो यहाँ पर जो है वो घूम रही हैं। जिस तरीके से वैभव को हिरासत में यहाँ सीएम हाउस से लिया गया है और लोकेशन, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द वैभव को गिरफ्तार इस पूरे मामले के अंदर किया जाए क्योंकि बहुत ही संगीन आरोप स्वाति मालीवाल ने वैभव कुमार के ऊपर लगाए थे। लेकिन आज जिस तरीके से वो गाड़ी हमने देखी मीनाक्षी, जब वो गाड़ी इस यहाँ से अंदर जाती है, पहले से ही मैसेज क्लियर था इस गेट के ऊपर कि एक गाड़ी आएगी उसको अंदर जाने, यानी कि मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि वैभव आ रहे हैं। ये बैरिकेडिंग जो है वो उठी हुई थी, जो स्टॉपर्स है वो नीचे थे, जो भी गाड़ी आती है यहाँ पर सीएम हाउस में पहले उसको चेक किया जाता है, उसके बाद गाड़ी को अंदर भेजा जाता है। लेकिन उस गाड़ी के लिए जो पूरा गेट ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये भी पूरे तरीके से खुला हुआ था, उसी समय ये अंदाजा लग गया था कि हो ना हो इस गाड़ी के अंदर वैभव हो सकता है। सीआईडी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम सीआईडी की भी यहाँ पर मौजूद थी, जो पुलिस का स्टाफ है वो भी यहाँ पर है, तो मैसेजिंग ऊपर तक चली गई थी दिल्ली पुलिस को कि सीएम हाउस में जो है वो वैभव कुमार आ चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही ये जानकारी ऊपर टॉप ऑफिशियल्स को मिलती है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, एडिशनल डीसीपी अजिंत्य जो है वो एसएचओ सिविल लाइन राजीव कुमार के साथ यहाँ पर पहुंचती है, उसके बाद वो यहाँ इसी गेट से अंदर जाती है और एक एक 5 से 7 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि जो पुलिस की टीम थी एक एक बढ़ती है अंदर की तरफ से, बैक गेट से जो है वो डीसीपी निकलती है, उनके साथ एक एसीपी निकलता है और बैक गेट जो सीएम हाउस का है उसके पास से वैभव कुमार को हिरासत में लिया जाता है। तो वैभव जो है उसको आज मैसेज तो था कि वो दिल्ली आएंगे, यहां वो आ सकते हैं क्योंकि आज शाम को कई सभाएं जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक महाराष्ट्र दौरे से दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, अपने सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन राघव चड्ढा वैभव के आने से पहले घर के अंदर मौजूद थे, वो यहां पर पहुंचे थे और पहली बार वो जब जेल गए हैं तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल, उसके बाद पहली बार राघव चड्ढा दिखे थे, संजीव झा घर के अंदर थे और उसके बाद जब वैभव को लेकर अतुल ये बड़ी जानकारी, वैभव कुमार को सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया और इस हिरासत के बाद अब उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने वैभव कुमार की गिरफ्तारी शो कर दी है, अब ये अरेस्ट है, अब ये डिटेनमेंट नहीं है। इस वक्त